नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेरेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हम छोटे बच्चों को सर्दी से कैसे बचाएं और उनको साफ सुथरा भी रखें, बच्चों को और बच्चों को ठंडी से भी हमको बचाना है। तो किस तरीके से हमको बचाना है और किस तरीके से बच्चे की मालिश मसाज और बच्चे को साफ सुथरा भी रखना है, पेरेंट्स हम नेचुरल तरीके से अपने बच्चों को ठंड से बचा सकते हैं। इसके लिए पेरेंट्स हमको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही ज्यादा परेशान नहीं होना है। क्या करना है आपको कि बच्चे की जो मालिश है ये मस्टर्ड ऑयल से गर्मा करके और 2-3 कलियां लहसुन की डाल करके, अजवाइन डाल करके, बच्चों के उस ऑयल को गर्म करके, गर्म करने के बाद उसको ठंडा करके, वो गुनगुना टाइप रहे कि बच्चे के इतना भी तेज गर्म ना हो कि बच्चे के शरीर त्वचा में लग जाए, तो उसको ठंडा करना, गुनगुना करने के बाद बच्चों के शरीर में मसाज आपको मालिश अच्छी तरीके से करना है। वो भी किस तरीके से करना है पेरेंट्स की ठंडी का सीजन है, बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही है और बच्चे को गर्म गर्म में रखना है, गर्म रूम में करके रखना है, हीटर वगैरह जला करके, और उस रूम को मसाज करते समय हमको रूम को बंद कर लेना है। और पेरेंट्स क्या करना है कि बच्चे के सारे कपड़े आपको नहीं उतारना है, सबसे पहले आप पैरों की मसाज बच्चों की करें। तो बच्चे के जो पैर के पैजमिया होती है, ये बच्चा कुछ भी पहने हैं पैरों में, उसको एक निकाल देना है आपको दोनों पैरों के, दोनों पैरों में फिर बच्चे के मस्टर्ड ऑयल से आपको मसाज अच्छी तरीके से बच्चे की करना है। जब दोनों पैरों में बच्चे की मसाज हो जाती है तब लेयर बाई लेयर बच्चे के कपड़े आपको उतारना है। तो बच्चों की मसाज हाथ में और चेस्ट में आपको और टमी में इस तरीके से ऐसे करके करना है, और बच्चे की बैक पीठ में मसाज करना है, और बच्चे के सिर में तो बहुत ही उकर के अच्छे से ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे, अगर 1 साल के ऊपर का बच्चा है आपका तो इस तरीके से 2 मिनट आप जरूर से जरूर बच्चे के तेल लगा करके और उसको इस तरीके से बच्चे की मसाज सर में करिएगा। इस तरीके से कब जब मसाज हो जाती है तब बच्चे को आप फुल कपड़ा कोई पहना दीजिए, और ऐसा नहीं है कि बच्चा एक दिन ना नहाए चल जाता है, 2 दिन नहीं नहाएगा, इतनी ठंडी पड़ रही चल जाएगा, लेकिन बच्चा अगर हफ्तों ना नहाए तो बच्चे से खुद ही स्माइल आने लगती है। बाद में जब हम पूरी मालिश बच्चे के कर लेते हैं तब हमको ये नहीं है कि मतलब हफ्ते के अंदर 2-3 दिन के अंदर बच्चे की हमको साफ सफाई भी, मतलब मसाज के बाद 15-20 मिनट के बाद बच्चे को नहलाना है। कैसे नहलाना है, पानी गुनगुना हो, रूम बंद होना चाहिए, और हीटर कमरा जो है बच्चे को, जहाँ पर आप बच्चे को नहला रही हैं वो बंद होना चाहिए, हीटर गर्म होना मतलब गर्म रूम होना चाहिए, वहाँ पर आप बच्चे को जल्दी से जल्दी मतलब बच्चे को पूरा नहला दीजिए और जल्दी से कपड़े में, गर्म कपड़े में बच्चे को लपेट लीजिए। पेरेंट्स इस तरीके से करने से आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा और बच्चे के शरीर से कोई भी स्मेल नहीं आएगी और बच्चा साफ सुथरा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, अच्छी तरीके से बच्चा आपका दूध पिएगा। क्योंकि जब बच्चे के अंदर साफ सफाई टाइम टू टाइम हम करेंगे बच्चे को, तो बच्चा ना तो हमारा जुकाम, बच्चे को जुकाम, जकड़ा और जो चेस्ट में बलगम जमा हो जाता है, खांसी बच्चे को आती है, तो ये सबसे बच्चा दूर रहेगा। और क्या करना है, बच्चे को नहलाने के बाद जब हम गर्म कपड़े में बच्चे को लपेट लेते हैं, हल्का कपड़ा होना चाहिए, नहीं कि बहुत भारी भारी कपड़ा हो, और इसके बाद में हमें फिर से थोड़ा सा तेल जो है शरीर में बच्चे के हल्का सा बिल्कुल लगाना है, जैसे पैर के पंजों में हो गया, हाथ के पंजों में ये हो गया, और ये चेस्ट में हो गया हल्का सा लगा दें, और सिर में हो गया तो हल्का हल्का सा इसके बाद लगा दें, और इसके बाद में बच्चे को जल्दी से कपड़े पहना दें। ऐसा कपड़ा बच्चे को पहनाएं कि बच्चे का उलन भी होना चाहिए कपड़ा और हल्का होना चाहिए, ये नहीं कि हमने 2 कपड़े मस्त बिल्कुल मोटे मोटिया पहना दिया तो बच्चे की हमारी सर्दी चली गई। बच्चा रिटेट हो जाता है और बच्चा उलझन करने लगता है ऐसे कपड़ों से, तो बच्चे को लेयर बाई लेयर आप हल्के कपड़े, बच्चे को उलन के हल्के कपड़े बच्चे को पहनाइए, जिससे कि बच्चा आपका अच्छा रहेगा और बच्चा रिटेट नहीं करेगा, उलझन नहीं करेगा। इस तरीके से पेरेंट्स हमने आपको ऑयल बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको बनाना है,
आप ये तो डेली बनाइए, ये तो इसको हफ्ते के भर के लिए बना करके स्टोर कर लीजिए, और जब आप लगाइए तो उसको हल्का सा निकाल करके गुनगुना कर लीजिए। आपको ये करना है, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और आपका बच्चा जो है सर्दी में बिल्कुल भी, वो सर्दी नहीं लगेगी, वो बिल्कुल भी सर्दी में बच्चा स्वस्थ रहेगा, ठीक रहेगा, अगर आप नियमित रूप से बच्चे का केवल आपको इतना सा ही ध्यान रखना है। पेरेंट्स, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों से जुड़ी हुई अच्छी जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।